मतलब इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गया और चाय पीने जा रहे हैं दयाशंकर सिंह मतलब क्या ठीक है क्या छोटे दलों को अभी भी आप लोग पटाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा संपर्क रह गया छोटे दलों से हमेशा संपर्क रहेगा हाँ। राजभर जी ने कुछ पॉजिटिव कहा है वो तो कह रहे हैं कि सीट उन्होंने कहा मंत्री पद मुझे वादा कर दिया अखिलेश जी ने भोलेपन में बता गए वो कि मंत्री पद ऑफर हो चुका है और मैं कास्ट सेंसस के लिए बोल चुका हूँ तो जो उनके मुद्दे वो कह रहे हैं वो मान गए आप देखना लास्ट में लोगों को टिकट नहीं देंगे उतना जितना कहे हैं हाँ। नहीं देंगे तब आप उनको लपक लेंगे नहीं नहीं हम नहीं लपकेंगे है? हाँ हब हाँ, कैसे हाँ आप नजर हाँ। गड़ाए बैठे एकदम <laughs> कि उनको सीट नहीं देंगे उतना बिना आपके लब... सहयोग में कुछ नहीं कर पाऊंगा हाँ। <laughs> आपका सहयोग आप ना आप, 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 आप लोग लपके बैठे हैं एकदम दे। इंतजार देखिए कुल मिलाकर राजनीति राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर वैचारिक है देखिए सत्ता हम सरकार बनाते हैं तो गरीबों के सेवा के लिए बनते हैं अंतिम व्यक्ति के खुशहाली के लिए बनाते हैं पिछले पाँच सालों में इस राज्य के अंदर कभी नहीं हुआ जो हो गया मतलब पक्का मकान से लेकर शौचालय आयुष्मान का कार्ड योजना जूता चप्पल भोजन खाना और 80 परसेंट चालीस से लेकर 80 परसेंट तक किसानों को सब्सिडी तेल तक उनके पानी पहुंचने का काम हुआ साफ काटने पर बिजली का करंट लगने पर तुरंत पांच लाख का चेक उनके घर उनके घर पहुंचता था मतलब छोटी से छोटी बातें जिस प्रकार गांव में इस बार मतलब कोई आपदा हुआ आपदा है तो लोग अधिकारी से लेकर नेता तक मतलब बिल्कुल पैकेट व्यवस्थित रूप से कोई बेमानी नहीं कोई घटतौली नहीं आराम से और उनके घर तक गल्ला पहली बार इस प्रकार सरकार है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए और गरीब गांव गरीब किसान को केंद्र बिंदु रखकर सेवा किया और शहरों के अंदर व्यापारी से किसी सुसूली ना हो गुंडागर्दी ना हो इसका भी ध्यान दिया इसलिए गुंडों के परिवार गुंडों के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला है न कि किसी शरीफ और गरीबों पर अब मैंने आपको टोक दिया कि योगी जी का नाम नहीं ले रहे तो आप मोदी जी का नाम नहीं ले नहीं, रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में चूक का मामला था वो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी उसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रही है वहां पर चन्नी साहब ने जो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि प्रियंका गांधी को मैंने इसके बारे में बता दिया है उस पर भी बीजेपी उस पूरे इशू को उठा रही है लेकिन इसको एक इमोटिव इशू बनाने पर ऐसे ही इशू पर आप लोग क्यों निर्भर दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में देखिए, देश प्रधान प्रधान के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को रहती है और जिस प्रकार हरकत कांग्रेस ने किया है फिर कांग्रेस ने जिस प्रकार टिप्पणी किया ऐसे राजनीतिक दल को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है आपका विचारधारा नहीं हमसे पटती अलग विषय है लेकिन इस प्रकार की नहीं है यही नहीं राहुल सुनिए कि नहीं सोनिया ने सदन के अंदर अटल जी पर निकम्मा की टिप्पणी किया था भ्रष्टाचार का जिस समय सत्ता गिरे थे और अटल जी पर भी सांप्रदायिकता का आरोप लगाया था और अटल जी भी सदन में जवाब दिए थे ये लोगों की मानसिकता बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक कांग्रेसियों की मानसिकता ठीक नहीं रहती है और जो राष्ट्रवाद की बात करेगा गरीब की बात करेगा उनको कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और उनको राज्य के अंदर बदनाम करने का काम करते हैं और चूक था उनको माफी मांगना चाहिए था स्वीकार करना चाहिए था जो गलती दोषी थे उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए था कैसी स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं वापस कैंपेन पर जल्दी से आ आज उत्तर हैं। प्रदेश में, के कोविड के दौर में अब ये जो आरोप है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको फायदा होगा ये डिजिटल कैंपेनिंग से आप लोग डिजिटल बाहुबली हैं आप लोग हावी रहते हैं इंटरनेट पर ये कह रहे हैं राजभर साहब की हम लोगों को सहायता दे चुनाव आयोग छोटी पार्टियां कैसे करेंगी तो एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ना प्रचार में वो इस बार नहीं हो पाएगा चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया दिया तो उसका शत प्रतिशत पालन होना चाहिए लेकिन चुनाव का एक माहौल रैलियों से होता है एक रैली का वातावरण होता है और रैली से माहौल बनता है और रैलियों से संवाद होता है लेकिन चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन किया है वो सभी के लिए वो पालन करना चाहिए दूसरा हमारा संगठन का संरचना है क्योंकि संगठन का हम लोग काम करते हैं और परमानेंट तीन सौ पैंसठ दिन चलने वाला संगठन है सत्ता है जिस राज्यों में सत्ता नहीं वहाँ भी तीन सौ पैंसठ दिन काम चलता है तो हमारी बूथ समितियाँ की इकाई है उसके ऊपर हमारा शक्ति केंद्र की इकाई है जो पांच छह बूथ देखते हैं फिर मेरा मंडल की इकाई है मंडल अध्यक्ष होता है फिर जिले का इकाई है फिर क्षेत्र का फिर प्रदेश क्षेत्र से संवाद करता है क्षेत्र जिला से संवाद करता है जिला मंडल से संवाद करता है मंडल सेक्टर से संवाद करता है सेक्टर बूथ से संवाद करता है बूथ अपने पन्ना प्रमुख और घर घर संपर्क करने का काम करता है इस संगठन की रचना के अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अभियान को भी लेकर इन्हीं रचना के साथ हम पब्लिक के बीच में जाएंगे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के सात साल वर्षों का कार्य योजना और राज्य के पाँच साल के योगी जी के कार्य योजना जो लाभार्थियों को लाभ दिए हैं जो काम हमने किए हैं वो रिपोर्ट कार्ड कर लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और एक एक चीज़ हम बताएंगे इसी आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह मंडल अध्यक्ष हमारा वर्चुअल करेगा हम क्षेत्र में वर्चुअल करेंगे पब्लिक में बीच सामाजिक संगठनों डॉक्टर वकील ऐसे सामाजिक संगठनों से भी संवाद करना है प्रबुद्ध वर्ग से तो वर्चुअल संवाद करेंगे फिर आप लोग को फायदा होगा अखिलेश जी या फिर उनकी जो देखिए इसका, इसका फायदा नुकसान होगा इसका हो फायदा फायदा लाभ तो हमें नहीं लगता रैलियों से आदरण मोदी जी की रैली होती राज्य के अंदर योगी जी की रैलियाँ होती अमित भाई की रैलिया होती नड्डा जी की रैलियां होती राजनाथ सिंह की रैली तो रैलियों से एक माहौल बनता है और संवाद होता है ज्यादा है मेरे को पैसा आपके पास ज्यादा है धन बल आप राज्य के अंदर घूम आइए राज्य के अंदर घुमाइए पाँच साल मेरी सरकार रही है हमारे मंडल अध्यक्ष के पास गाड़ी तक नहीं होगा इतना तपस्वी कार्य करता है ईमानदारी से काम करता है सपा का एक मंडल अध्यक्ष उठा लीजिए जिला का उसकी कोठी देखिए उसका रहन देख देखिए उसका वस्त्र पहनावा देखिए उसका चाल ढलना देखिए जमीन आसमान का अंतर पड़ रहा है ये केवल राज्य को लूटने आते हैं और राज्य में संगठन के हमारे बीजेपी के, के कार्यकर्ता गरीबों को सेवा करने आते हैं ये ठेका पट्टा करने आते हैं गरीब का, बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे वृद्धाजन को पेंशन मिले दिव्यांग को कैसे पेंशन मिले उसको ऑनलाइन करवाता है गांव में बैठकर। इनकी सत्ता बनती है तो पहले दिन का ठेकेदारी शुरू हो जाता है और लोग ऑफिस कब्जा कर लेते हैं और एक एक थाना कब्जा कर लेते हैं एक एक जिला कब्जा कर लेते हैं हम कार्यकर्ता हमारा बहुत ईमानदार है और नीचे स्तर के कार्यकर्ता आपने जन समर्थन और रैलियों की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कई लोग जानते होंगे कि 2019 में यूपी बिहार मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपने कामकाज बीजेपी का संभाला जिसके बाद आप, आप बने कई जगहों पर रैलियां की अब रैलियों के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम की रैली में बसों में लोगों को इकट्ठा कर करके कर लाया जा रहा है इसकी क्या सच्चाई है देखिए संगठन के कार्यकर्ता तो लेकर आते ही रैलियों में भाई यदि हम बस नहीं देंगे जिले को या बस नीचे नहीं जाएगा के दम पर पैसे देकर ना ना कार्यकर्ता कर, कर अपने दम पर नीचे इकाइयां आज से थोड़ा रैलियां कर रहे हैं उसके पहले आदरणीय अटल जी की रैली होती थी जो जो रहे नेता हमारे समी की रैलियां होती थी ये पहले से भी ऐसा हम अधिवेशन करते थे सात सात दिन का तीन तीन दिन का अधिवेशन करते थे

कार्यक्रम है वो चार प्रकार के हैं एक तो हम बैठक करते हैं एक मेरा प्रकार है बैठक करने का जिसमें जो बैठक लेना है दस बीस से कहीं बोलेगा वृत्त निवेदन लेंगे और बैठक नहीं दूसरा मेरा प्रशिक्षण वर्ग होता है जिसमें एक वक्ता तय हुआ आप अपना उद्बोधन देंगे कोई नहीं बोलेगा कुर्सी भी नहीं लगी सांसद विधायक है तो नीचे बैठेगा जो वक्ता है वही कुर्सी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बैठेगा तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन केवल भारत माता के जय का नारा लगता है व्यक्ति का नारा नहीं लगता है रैली होती है रैली से नेतृत्व करता है रैली से नेतृत्व मेरा मंडल अध्यक्ष अब आ रहा है मंडल अध्यक्ष के पीछे 500 लोग चल रहे हैं वो 500 हमारे मंडल अध्यक्ष का नारा लगाते चल रहे हैं मंडल अध्यक्ष का नारा लगाते चल रहे तो नेता देखता है मंच से यार ये मंडल अध्यक्ष तो क्या संख्या लेकर आ रहा है अपना तो कार्यकर्ता का निर्माण की प्रक्रिया है क्योंकि कल का वह बूथ का अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनेगा प्रदेश अध्यक्ष बनेगा प्रदेश का पद इनके यहां तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला नहीं न सोनिया में बनने वाला है प्रियंका का बेटा राहुल का बेटा कौन होगा वही बनेगा कल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अखिलेश जी का बेटा कौन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनने वाला है इनके यहाँ तो कोई कार्यकर्ता जीवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता सपने में